नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आज में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। सर्व समाज कल्याण पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नीरज शर्मा ग्वालियर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। चर्चा के दौरान उन्होंने SC/ST एक्ट में लाए सरकार के अध्यादेश का विरोध करते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग की। इसके बाद नीरज शर्मा का काफिला रैली के रूप में थाटीपुर चौराहे पहुंचा, जहां नीरज शर्मा ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लिया। हमारी ही मेन भूमिका रहेगी, किस प्रकार की भूमिका? हमारी 200-300 सीटों पर हमारी हमारी तैयारी है, हमारी सभी जगह प्रत्याशी उतार रहे हैं और करीब करीब ये मान लो सरकार में दखलंदाजी हमारे 50 से ज़्यादा विधायक जीत के आना चाहिए। जनता के बीच में क्या संदेश, किस तरीके का चुनाव की घोषणा पत्र लेकर? हम लोग तो SC/ST के विरोध में हैं, हमने काला कानून लाए हैं, मेन हमारा काला कानून है, उसके बाद हमारा आर्थिक आधार पर आरक्षण। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज आज के साथ।